कुरुग्राम नगर निगम का दूसरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव के बाद किसी भी वक्त नगर निगम के चुनावों की घोषणा हो सकती है। अब ऐसे में मौजूदा पार्षद और पार्षद उम्मीदवार सभी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बार पार्षद उम्मीदवारों से ज्यादा मेयर पद के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है। गुरुग्राम में ज्यादातर उम्मीदवार मेयर पद की तैयारी कर रहे हैं। गुरुग्राम में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों के पास अपने मेयर उम्मीदवारों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब ऐसे में टिकट एक और उम्मीदवार अनेक, इन सब में से एक उम्मीदवार चुनना सभी पार्टियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। अब बात करें बीजेपी की, तो इसमें भी कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक नाम सुमन धैया का है। सुमन धैया जो पिछले काफी समय से कांग्रेस में थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। सुमन धैया शुरू से ही समाज हित के कार्य कर रही हैं। महिलाओं के प्रति सुमन धैया ने अनेकों कार्य किए हैं। महिला उत्पीड़न के मामलों में सुमन धैया महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ती हैं। इसके अलावा सुमन धैया महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं, और यही कारण है कि महिलाएं भी सुमन धैया को पसंद करती हैं। सुमन धैया, पहले तो देखो लोगों के मुंह से मैंने उनका नाम सुना था काफ़ी बार, लेकिन जब मैं खुद मिली तो तब मैंने उनको जाना है कि वो क्या है, किस लेवल पे है। वो एक ज़मीन से जुड़ी हुई एक वो महिला है, शायद मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, इतना मैं भी ज़मीन से नहीं जुड़ी हुई जितना वो जुड़ी हुई है। हालांकि मैं अभी पीछे हमने एक प्रोग्राम किया था सूरत नगर में, उसमें वो एक धार्मिक जो होता है उस तरीके से उस लेवल पे जुड़ी हुई है, और हमारा जो पानी वानी की व्यवस्थाएँ होती है वो सब वो करती हैं। और कभी भी हमें सुमन धैया से मिलने के लिए किसी भी व्यक्ति से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ना उनके कोई पीए है, ना कोई उनके पति है, ना कोई और। समाज हित की अगर हम बात करें तो शायद गिनती नहीं है उस चीज़ की। वो हर महिला के लिए, हर बच्चों के लिए, हर बड़े बुजुर्गों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती हैं। सभी व्यक्तियों को वो एक समान एक नज़र से देखती हैं। कभी भी जात पात में कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। सुमन जी को मैं पिछले 18 वर्षों से जानती हूँ, क्योंकि मेरा निवास स्थान पटेल नगर में है और वो सिविल लाइन में रहती हैं। वो एक्चुअली एक बहुत ही करवटवान और निष्ठावान लेडी हैं, जो कि महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। कुछ लेडीज़ों की एक्चुअली घरेलू प्रॉब्लम को लेके मेरा उनसे मिलना हुआ था, जो कि उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सॉर्ट आउट किया है, और वो समाज के हित के लिए बहुत कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, एक तो उन्होंने महिलाओं को, आज की डेट में महिला पिछड़े वर्ग में रह रही हैं, उनको आगे लाने के लिए फ्री में सिलाई सेंटर, कढ़ाई का कोर्स आदि की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे वो अपना रोजगार कर सके। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो लेडीज़ों के लिए, जो कि आजकल हर एक घरों में लेडीज़ों को पीड़ित किया जाता है, कोई उनकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है, तो एक ही महिला है वो सुमन धैया, जो लेडीज़ों की आवाज़ को सुन के तत्पर उन पर कार्य करती हूँ। मैं सुमन धैया दीदी को 2009 से जानती हूँ, और मेरे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरा ही कोर्ट केस सुमन दीदी ने लड़ा था, जबकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे दुखी कर रखा था, पैसे भी नहीं लिए, और जैसे जो लोग सरकारी विभाग वाले सुन नहीं रहे थे ना, उसमें भी दीदी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो एक्चुअल में दीदी के, आप ये लगा सकते हैं कि ब्लड में है कि दीदी को सोशल वर्किंग करनी है। दीदी ने खुद हमें सोशल वर्किंग सिखाई है, क्योंकि दीदी अब से नहीं 25 साल से इसी सोशल वर्किंग कर रही हैं। जैसे अभी आपको पता चला होगा, सिलाई सेंटर्स हैं दीदी के, पीड़ित औरतों को अपने पैरों पे खड़े करने की क्षमता है। दूसरा, अगर हमारे काम नहीं हो रहे तो जाके सरकारी अफसरों से बात करने की दीदी के अंदर, मैं ये कहती हूँ, आप माने ना माने, लेकिन आज के टाइम में जैसे गुड़गांव को जिस चीज़ के लिए मेयर पद के लिए ज़रूरत है, सुमन धैया से अच्छा नाम मेरे दिमाग में कोई भी। जब से मेरी गुड़गांव में शादी हुई है, 12-13 साल तकरीबन हो चुके हैं, तो तब से ही मैं उनसे संपर्क में हूँ। उनका अपनापन और जो उनका फ्रेंडली नेचर है, वो मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी उम्र की महिला या कोई भी व्यक्ति जो किसी चीज़ से परेशान है, दुखी है, तो आसानी से उनसे अपना मतलब डिस्कस कर सकता है, और जिससे कि वो उसका समाधान कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो एक अच्छी वकील भी रह चुकी है, उन्हें कानूनों का भी बहुत अच्छे से मतलब पता है, तो वो हर किसी का जो मतलब समस्या होगी तो वो आसानी से उसे शॉर्ट आउट कर सकती है। गुरुग्राम के रहने वाली महिलाओं की माने तो सुमन धैया वो महिला नेत्री हैं जो 24 घंटे महिलाओं के लिए कार्य करती हैं। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सुमन धैया सड़क से लेकर
कोर्ट तक की लड़ाई लड़ती हैं। अब ऐसे में अगर बीजेपी सुमन दहिया को अपना मेयर उम्मीदवार बनाती है तो शहर की महिलाओं का समर्थन सुमन दहिया को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।